नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। हाल ही में ICAI की नागपुर शाखा द्वारा उत्तीर्ण हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को उनके माता पिता की उपस्थिति में वसंतराव देशपांडे सभागृह में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संपादिका आसावरी शेनुलीकर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, केवल दृढ़ निश्चय, समर्पण और दृढ़ता ही आपको सफल बनाएगी। आसावरी शेनुलीकर ने उत्तीर्ण हुए नए CA और उनके माता पिता को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने उत्तीर्ण हुए नए CA पेशेवरों को जीवन में पुस्तकों को अपना मित्र बनाने और अपने व्यक्तिमत्व को व्यापक बनाने की सलाह दी। उन्होंने नए CA पेशेवरों को बताया कि यह वह समय है जब आप विभिन्न स्तरों से, विभिन्न बौद्धिक समूहों के विविध लोगों से, कई लोगों के साथ बातचीत करेंगे और इस स्थिति में केवल आपका ज्ञान और कौशल ही आपके लिए मददगार साबित होगा। सफलता प्राप्त करना तभी संभव होगा जब आप अच्छी तरह से पढ़े लिखे हो, और इसलिए शिक्षा हम सभी के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप अपनी यात्रा में कितनी दूर आ गए हैं इस पर गर्व करें और विश्वास करें कि आप कितनी दूर जा सकते हैं, लेकिन यात्रा का आनंद लेना न भूले, इस आशय के विचार शेनुलीकर ने व्यक्त किए। राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम के अनुपालन में केंद्रीय भूजल बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राजभाषा में कार्य करने और संबंधित प्रावधानों से अवगत करने के लिए राजभाषा कार्यशाला का आयोजन किया गया। अतिथि व्याख्याता कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी डॉक्टर जयप्रकाश ने संघ की राजभाषा नीति का अनुपालन एवं कामकाज के व्यवहारिक पक्ष पर विस्तारपूर्वक मार्गदर्शन किया। क्षेत्रीय निदेशक एन वरदराज ने कहा कि राजभाषा में कामकाज करना हमारा दायित्व है। कार्यशालाओं में प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने तथा राजभाषा से संबंधित विषय में व्यापक जानकारी मिलती है। बोर्ड के प्रभाग के कार्यकारी अभियंता कल्याण जाटव ने हिंदी में कार्य करने वाले कर्मचारियों की प्रशंसा की और पुरस्कृत कर्मचारियों की सूची प्रस्तुत की। कार्तिक पी डोंगरे ने हिंदी के संबंध में व्यावहारिक उदाहरणों को सामने रखा और कार्यशाला के आयोजन में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। राजभाषा अधिकारी पूरनचंद ने सभी को राजभाषा संबंधित गतिविधियों से अवगत कराया तथा कार्यशाला का समापन तथा धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यशाला में बड़ी संख्या में केंद्रीय भूजल बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे। सभी ने कार्यशाला में उत्साहपूर्वक भाग लिया। आज महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के हर राज्य में रैली निकाली जा रही है, वहीं संतरा नगरी के नाम से मशहूर नागपुर में भी गुड़ी पाड़वा की धूमधाम दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर इस त्यौहार को मनाने के वीडियो वायरल हो रहे हैं। नागपुर में लोग ढोल नगाड़े बजाकर नए साल का स्वागत कर रहे हैं। आज से चैत्र नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। इसके साथ ही आज ही के दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। उसी दिन गुड़ी पाड़वा का त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गुड़ी पाड़वा को भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे उगादि, छेती चांद, युगादि जैसे नामों से भी जाना जाता है। गुड़ी पाड़वा का त्यौहार महाराष्ट्र और गोवा के अलावा अन्य दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में बहुत ही धूमधाम एवं श्रद्धाभाव के साथ मनाया जाता है। वहीं उत्तर भारत में इस दिन से नवरात्र का आरंभ होता है और 9 दिन तक माँ दुर्गा की उपासना का पर्व चलता है। इटारसी लाइन पर तीसरी रेल लाइन निर्मित करने के लिए मध्य रेल विभाग की ओर से प्रक्रिया शुरू की गई, किंतु रेलवे की जमीन पर कई बस्तियों के मकान आने के कारण अब तक मामला टलता रहा है। अब विभाग की ओर से इन संपत्ति धारकों को नोटिस जारी कर तुरंत जगह खाली कराने की हिदायत दी गई। नोटिस के बावजूद जगह खाली नहीं होने पर शुक्रवार को रेल विभाग दल बल के साथ यहाँ पहुंच गया। मानकापुर के पास उस समय कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जब कार्रवाई की भनक लगते ही विधायक विकास ठाकरे, प्रमोद ठाकुर सहित कई कार्यकर्ता घटनास्थल पर पहुंच गए। इसके अलावा राकापा नेता वेद प्रकाश आर्य भी कार्यकर्ताओं को लेकर यहां पहुंचे, जहां अधिकारियों के साथ हुई लंबी चर्चा के बाद कार्रवाई तो स्थगित हो गई, किंतु अधिकारियों ने जल्द इसका विकल्प ढूंढकर जगह खाली कराने की सूचना पीड़ितों और नेताओं को भी दी। विधायक विकास ठाकरे ने कहा कि रेल विभाग द्वारा किए जा रहे विकास का विरोध नहीं है, किंतु पुराना जरीपटका, महात्मा फुले झोपड़पट्टी और अन्य बस्तियां लगभग 40 वर्षों से यहां बसी हुई है। महानगर पालिका की ओर से यहां जलापूर्ति की व्यवस्था की गई। महंगाई के खिलाफ विदर्भ राज्य पार्टी द्वारा सिलेंडर की शव यात्रा निकालकर केंद्र सरकार का निषेध किया गया। वैरायटी चौक पर रंजना मामरडे, मुकेश मासूरकर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मासूरकर ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और गैस की महंगाई से जनता त्रस्त हो गई है और यह सरकार जनता की समस्याओं पर ध्यान देने की बजाय केवल सरकारी यंत्रणाओं का दुरुपयोग कर राजनीति खेलने में व्यस्त है।
विपक्षी पार्टियों को भी जनता की तकलीफों से कोई लेना देना नहीं है। राज्य सरकार भी पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स को कम करने तैयार नहीं है। राज्य व केंद्र दोनों सरकार जनता की लूटमार कर रही है। उन्होंने कहा कि तानाशाही चल रही है, उद्योग व्यापार रोजगार खत्म हो रहे हैं, गरीब परिवारों के सामने तो दो वक्त का भोजन जुटाने की समस्या खड़ी हो गई है। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, बढ़ती हुई महंगाई की मार, कुछ तो शर्म करो मोदी सरकार जैसे नारों के साथ ही स्वतंत्र विदर्भ राज्य के लिए भी नारे लगाए गए। प्रदर्शन के दौरान गुलाबराव धांडे, रामेश्वर मोबे, अशोक पटले, माधुरी चव्हाण, अजबराव पिंपलकर, मिथुन मोहरकर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। अपनी विविध मांगों को लेकर जिले के तहसीलदार व नायब तहसीलदारों ने कलेक्ट्रेट में काला फीता लगाकर आंदोलन किया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर मांग पूरी नहीं की गई तो 4 मई से काम बंद कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संगठन की ओर से कहा गया कि नायब तहसीलदार व तहसीलदार संवर्ग के नियमितीकरण व सीनियरिटी की सूची जाहिर करने के संदर्भ में प्रस्ताव कोकण, नाशिक व पुणे संभाग में मंजूर हो गया है, लेकिन औरंगाबाद, अमरावती व नागपुर संभाग में अब तक सरकार को सादर भी नहीं किया है, जिसके चलते नायब तहसीलदार व तहसीलदार से उपजिलाधिकारी संवर्ग की पदोन्नति रुकी हुई है। इससे असंतोष निर्माण हो गया है। संगठन अध्यक्ष श्री राम मुंदड़ा ने बताया, 18 अप्रैल को संगठन के सभी सदस्य व पदाधिकारी सामूहिक अवकाश लेकर विभागीय आयुक्त कार्यालय के समक्ष धरना देंगे। सभी संवर्गों को पदोन्नति देने, परिवीक्षाधीन नायब तहसीलदार, तहसीलदार की परिवीक्षाधीन कार्यावधि समाप्त कर स्थायित्व प्रमाण पत्र के संदर्भ में प्रस्ताव पर तत्काल निर्णय लेने, महिला अधिकारियों को राजस्व विभाग में सहूलियत की जगह पर नियुक्ति करने की मांग रखी गई है। आंदोलन में प्रताप वाघमारे, चैताली सावंत, प्रियदर्शनी बोरकर, सचिन यादव, सीमा गजबीये, महादेवराव दराडे, रंजित दुसावार, संगठन सचिव निम्बालकर सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। महोदा में एनटीपीसी प्रकल्प शुरू हुए 12 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अब तक अनेक प्रकल्पग्रस्तों को रोजगार नहीं दिया गया है। इस संदर्भ में कई शिकायतें मिल रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जिलाधिकारी आर विमला को इस संदर्भ में प्रकल्प की कार्यप्रणाली की बारीकी से जांच कर 15 दिनों में रिपोर्ट सादर करने का निर्देश दिया है। उनके निवास स्थान पर इस संदर्भ में हुई बैठक में विधायक टेकचंद सावरकर, चंद्रशेखर बावनकुले, मोहन मते, दयाशंकर तिवारी, विकास कुंभारे, प्रकल्पग्रस्त नागरिक उपस्थित थे। बैठक में बताया गया कि एनटीपीसी जो प्रकल्पग्रस्त नहीं है उन्हें नौकरी दे रहा है। इंजीनियरिंग की डिग्री डिप्लोमा धारक प्रकल्पग्रस्तों को नौकरी के लिए आईटीआई का प्रशिक्षण लेने के लिए व्यवस्थापन ने कहा और फिर नौकरी नहीं दी। जो लोग न्यायालय में न्याय मांगने गए उन्हें नौकरी नहीं देने की भूमिका एनटीपीसी प्रबंधन ने अपना रखी है। गडकरी ने कलेक्टर को प्रकल्प से हुए करार की जांच करने, करार का पालन हो रहा है या नहीं यह देखने और प्रकल्पग्रस्तों की कितनी सीटें भरी गई और कितनी रिक्त है, प्रदूषण नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं, इसकी 15 दिनों में जांच कर रिपोर्ट सादर करने का निर्देश दिया। विरोधी पक्ष नेता व पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कश्मीर फाइल मूवी को लेकर चल रही राजनीति को गलत बताया। उन्होंने कहा कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म की जांच के बाद ही रिलीज करने की अनुमति दी। उन्होंने इस फिल्म के माध्यम से भाजपा की नजर अल्पसंख्यकों के वोटों पर है के आरोप को खारिज करते हुए पलटवार किया कि भाजपा नहीं बल्कि महाविकास आघाड़ी में शामिल शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस के बीच ही अल्पसंख्यक वोटों को लेकर आपस में खींचतान चल रही है। वे एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मुंबई मेट्रो भाजपा के शासन में ही शुरू हुई, भाजपा के शासन में मेट्रो के कार्य की गति कितनी तेज थी यह मुंबईकरों को मालूम है। अब दो लाइन शुरू हो रही है, अच्छी बात है, इसके लिए श्रेय लेने का प्रयास नहीं है। कोलाबा से निकलने वाली मेट्रो लाइन 3 का काम 80% हो गया है, इसके लिए आरए में कार शेड की जगह दी गई तो 9 महीने में मेट्रो शुरू हो सकेगी, अन्यथा आगामी 4 वर्ष तक कोई संभावना नहीं है। फडणवीस ने शिवसेना सांसद संजय राउत से संबंधित सवालों को टाल दिया। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने नागपुर से वकील सतीश उके की ईडी द्वारा गिरफ्तारी पर कहा कि ईडी की कार्रवाई आतंकवादी या ड्रग्स माफिया द्वारा पैसे के लेनदेन की जांच के लिए की जाती है, लेकिन नागपुर में वकील पर जो कार्रवाई की गई वह भाजपा नेताओं ने पूर्व में जो कबूतरबाजी की उसके बाद हुई है। भाजपा ने ईडी को चिल्लर बना दिया है। वे एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उके ने भाजपा नेताओं के खिलाफ कई केस लड़े हैं, कुछ मामलों की सुनवाई का समय करीब है, इसलिए ही रातोंरात उके को मुंबई से ईडी की टीम भेजकर गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि यह बात फैलाई जा रही है कि पटोले के वकील को गिरफ्तार किया गया, राज्य में कांग्रेस को जनता का समर्थन बढ़ रहा इसलिए मेरी और पार्टी की बदनामी की जा रही है। पटोले ने एक सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस के विधायकों में मंत्रियों के खिलाफ
कोई नाराजगी नहीं है। इस चर्चा का कोई अर्थ नहीं है कि पार्टी के विधायक दिल्ली आलाकमान से मंत्रियों की शिकायत करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी विधायक प्रशिक्षण के लिए दिल्ली गए हैं। राज्य सरकार की ओर से कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीके का पर्याप्त स्टॉक प्राप्त होने के कारण 18 प्लस और 45 प्लस आयु वर्ग के सभी नागरिकों का टीकाकरण नागपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर आज शाम के 4 बजे तक टीकाकरण होने वाला है। इस आयु वर्ग के नागरिकों को कोविशील्ड टीका निःशुल्क दिया जाएगा। मनपा की ओर से बड़े पैमाने पर नागरिकों को टीका लगवाने का आह्वान किया जा रहा है। पहला डोज, दूसरा डोज और इसी तरह पात्र नागरिकों के लिए बूस्टर डोज लेने के लिए टीके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसी तरह 15 प्लस आयु वर्ग के नागरिकों के लिए कोवैक्सीन टीके का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो चुका है। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से पंजीकरण किया जा सकता है। यह जानकारी मनपा के स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई है। इसी तरह ग्लोबल मॉल बरडी में ड्राइव इन वैक्सीनेशन केंद्रों पर भी सभी नागरिकों के लिए टीकाकरण शाम के 4 बजे तक किया जाएगा। यह जानकारी चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बहिरवार ने दी है। नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल पर गए एसटी कर्मचारियों ने सरकार के उस आदेश को ठेंगा दिखा दिया है जिसमें सभी से ड्यूटी पर लौटने की अपील की गई थी। इस दौरान सरकार ने वादा किया था कि वो किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इसके बाद भी करीब शहर के करीब 1100 कर्मचारी हड़ताल पर डटे हुए हैं। सरकार और एसटी कर्मियों के बीच सुलह न होने से ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्था लड़खड़ा गई है। इसका सीधा फायदा मिल रहा है निजी बस संचालकों को। वे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से मनमाना किराया वसूल कर अपनी जेबें भर रहे हैं। सूत्रों की माने तो जब ग्रामीण रूटों पर एसटी महामंडल की बसें चला करती थी तब निजी बसों की संख्या 200 के आसपास हुआ करती थी, लेकिन बीते 5 महीने में ये संख्या 400 के आसपास पहुंच गई है। यह आंकड़ा तो बड़ी बसों का है। इसके अलावा तालुका स्तर पर चलने वाली बसों की संख्या 2 सैकड़ों के आसपास बताई जा रही है। निजी बसों का बढ़ता आंकड़ा किसी बड़ी अनियमितता की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि सरकार ने अब सख्त रुख अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई की ओर इशारा किया है। स्थानीय अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल सावनेर में परीक्षा पे चर्चा लाइव शो कक्षा 9वीं एवं 10वीं के विद्यार्थियों ने देखा। स्कूल के प्राचार्य राजेंद्र मिश्र ने कार्यक्रम के शुरू होने से पूर्व परीक्षा पे चर्चा की संक्षिप्त जानकारी विद्यार्थियों को प्रदान की। साल 2018 में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में लाइव शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों से पूछा, आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई के समय पढ़ाई करते हैं या रील देखते हैं? बात ऑनलाइन ऑफलाइन की नहीं है, एकाग्रता की है। उन्होंने तनाव से कैसे उभरे, सोशल मीडिया से ध्यान हटाने के संदर्भ में भी मार्गदर्शन दिया। परीक्षा को ही बना ले त्योहार, परीक्षा पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने छात्रों को सफलता का मंत्र सिखाया। प्रधानमंत्री ने पेरेंट्स से कहा कि अपने बच्चों में इंजेक्ट न करें। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई ये समझता है कि मोटिवेशन का कोई इंजेक्शन मिलता है जिसे लगा ले तो सब ठीक हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। बेहतर होगा कि स्वयं का मूल्यांकन करें और खुद में आत्मविश्वास पैदा करें। बच्चों को उन्होंने कहा कि आप मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए अतिरिक्त सामर्थ्य को जोड़ते हुए मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपका बहुत फायदा होगा। सिंधी समाज के इष्ट देवता वरुण अवतार झूलेलाल जी का 1072वां जन्मोत्सव गांधी सागर झूलेलाल मंदिर परिसर में सिंधु झूलेलाल वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में महंत मोहनदास के सानिध्य में एवं अध्यक्ष रमेश जेसवानी, मेघराज मैनानी, हरिराम नागपाल, कोडुमल धनराजानी, दीपक देवसिंघानी, मनोज मोरियानी, मनोहर खुशलानी, सतीश मीरानी, एन कुमार हरचंदानी, नारायण मोरियानी, कन्हैयालाल तलरेजा, विजय रामानी, कवल अडवाणी एवं पूर्व नगर सेवक सुरेश जगियासी, कांचन जगियासी के शुभ हस्ते दीप प्रज्वलित कर किया गया। झूलेलाल जी की मूर्ति को माल्यार्पण कर और 6 फुट लंबी अगरबत्ती जलाकर महोत्सव का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात बच्चों एवं महिलाओं के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम के संयोजक सतीश मीरानी, सुनील जग्यासी, संजय धनराजानी, राम खुशालानी, राजू भाई माखीजा, सोनू मेघानी, नंदलाल रिद्वानी, मधु विधानी, योगेश उत्तम चंदानी, शंकर हरद्वानी, जय मोरियानी, प्रदीप जेसवानी, नानक आहूजा, कमलेश धनवानी द्वारा वेशभूषा स्पर्धा का आयोजन किया गया जिसमें तकरीबन 300 महिलाओं एवं बच्चों ने हिस्सा लिया। कोई झूलेलाल तो कोई राम लक्ष्मण, अधिक बच्चों ने धार्मिक सजीव पात्रों का रोल निभाया। सिंधुड़ी यूथ विंग के सौजन्य से 40 मिनट का सिंधी नाटक तौबा तौबा भगवान बचाए की प्रस्तुति की जिसका आनंद सैकड़ों की तादाद में आए श्रद्धालुओं ने किया। अंत में महंत ठाकुर मोहनदास द्वारा आरती पलव पहनाकर झूलेलाल जी से मिन्नतें मांगी गई। पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी की वजह से चेट्री चंड महोत्सव नहीं हो पाया, इसलिए इस वर्ष सिंधी समाज में अभूतपूर्व उत्साह देखा जा रहा है।
सिंधी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रीय संस्था भारतीय सिंधु सभा की नागपुर शाखा द्वारा भगवान इष्टदेव झूलेलाल के 1072वें जन्मोत्सव के अवसर पर आगामी 2, 3 एवं 4 अप्रैल 2022 को जरीपटका दयानंद पार्क मैदान में भव्य चेटरी चरण के भव्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। भारतीय सिंधु सभा द्वारा अध्यक्ष घनश्याम कुकरेजा एवं मेले के पूर्व संयोजक वीरेंद्र कुकरेजा के मार्गदर्शन में आयोजित मेले के संयोजक सतीश आनंदानी ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 दिन तक चलने वाले चेटरी चंद महोत्सव के पहले दिवस यानी 2 अप्रैल 2022 को कलगीधर सत्संग मंडल जरीपटका से भारतीय सिंधु सभा युवा मंच, सिंधु युवा फोर्स, सिंधु लॉयंस एवं अन्य संस्थाओं के सहयोग से भव्य स्कूटर रैली शुरू होकर पूरी जरीपटका बस्ती और मेकोसा बाग घूमते हुए दयानंद पार्क पर समाप्त होगी। इस बार 5,000 लोगों के इस रैली में भाग लेने की संभावना है। नागपुर मेट्रो की ओर से धनवटे नेशनल कॉलेज में छात्रों के लिए मेट्रो यात्रा यानी अच्छा स्वास्थ्य, स्वच्छ और हरित पर्यावरण विषय पर मेट्रो संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कॉलेज के प्राचार्य ने एक अभिनव पहल की घोषणा की, जिसमें छात्रों को सप्ताह में एक दिन पैदल, साइकिल से या कॉलेज के पास कांग्रेस नगर मेट्रो स्टेशन का लाभ उठाकर कॉलेज पहुंचना अनिवार्य करने की घोषणा की गई है। मेट्रो संवाद कार्यक्रम की शुरुआत में प्रिंसिपल डॉक्टर जयवंत वड़ते को कांग्रेस नगर मेट्रो स्टेशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर हम पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और बढ़ते वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और स्वास्थ्य देखभाल को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो हम सभी को सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का उपयोग करने की आवश्यकता है। असंतुलित पर्यावरण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए, यह अपील उन्होंने युवाओं से की। प्राचार्य ने सभी से मेट्रो का उपयोग करने की अपील की, जो एक राष्ट्रीय और स्वच्छ नागपुर, स्वास्थ्य और वित्तीय बचत, समय नियोजन, पर्यावरण संरक्षण के लिए अनुकूल है। धनवटे नेशनल कॉलेज के सभी प्रोफेसरों, गैर शिक्षण कर्मचारियों और छात्रों को सप्ताह में एक दिन निजी वाहनों, साइकिल चलाने और मेट्रो का उपयोग करने के लिए सख्ती बरतने का उल्लेख किया है। शांतिनगर कॉलोनी में शनिवार को चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर अखंड मनोकामना ज्योत द्वारा पूजन घट स्थापना की जाएगी। प्रथम दिन माता रानी का सिंदूर साज श्रृंगार कर दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाएगा। समस्त पूजा कार्य सुनील महाराज के आचार्यत्व में सम्पन्न होगी। रूस एवं यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध तथा विश्व के अनेक देशों द्वारा रूस पर अनेक प्रतिबंध लगाए जाने के कारण अब रूस में भारतीय सामान की मांग तेजी से बढ़ रही है और भारत के लिए अपने उत्पादों का रूस में बाजार बनाने का ये बड़ा अवसर भी है। ज्ञातव्य है कि अब तक रूस को बड़ी मात्रा में सामान अमेरिका, इंग्लैंड तथा यूरोपियन देशों द्वारा की जा रही थी और क्योंकि रूस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, अब कोई भी देश रूस को सामान नहीं भेज रहा है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट से रूस के अनेक व्यापारिक संस्थानों ने भारतीय सामान के लिए संपर्क किया है। वहीं भारत के व्यापारी भी रूस को भारतीय उत्पादों का निर्यात करने के लिए बेहद इच्छुक है। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि रूस में भारतीय उत्पादों की मांग बहुत तेजी से बढ़ी है और प्रथम चरण में फ्रूट जैम एवं जेली, कॉर्नफ्लेक्स, मूसली, चाय, कॉफी पाउडर, चीनी, अचार, फ्रोजन स्नैक्स, खाद्यान्न, केचप, ओट्स, रेडीमेड खाना, ब्रेड, चावल, बीन्स, कॉर्नफ्लोर पाउडर, सूप, स्टिक्स, आलू के चिप्स आदि के सामान की विभिन्न पैकिंग में तुरंत आवश्यकता है। मध्य रेल ने वर्ष 2021-22 में 76.16 मिलियन टन का माल ढुलाई करके वित्तीय वर्ष का अब तक का सर्वश्रेष्ठ माल लदान का रिकॉर्ड दर्ज कर इस साल के अंत में एक यादगार और शानदार उपलब्धि हासिल की है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष के 62.02 मिलियन टन के लदान के आंकड़े से 22.8% अधिक है। मार्च 2022 में 7.6 मिलियन टन का लदान हासिल करके अब तक का सबसे अच्छा मासिक लदान किया है, जो कि पिछले दिसंबर 2021 में सर्वश्रेष्ठ 7.23 मिलियन टन से अधिक है। 40.9 मिलियन टन लदान करके कोयले की लदान में 33.3% की क्वांटम जंप ने सभी संबंधित बिजली घरों को कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित की है। सीमेंट लदान में पिछले वर्ष की तुलना में 31% का सुधार हुआ है। वित्त वर्ष 2022-21 में ऑटोमोबाइल लदान बढ़कर 524 रेक हो गई है, जबकि पिछले साल 278 रेक में 90% की वृद्धि दर्ज की गई थी। चीनी लदान वित्त वर्ष 2021-22 में बढ़कर 1012 रेक हो गया है, जबकि पिछले साल ये 395 रेक था। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लौह और इस्पात का लदान 67% बढ़कर 3.14 मिलियन टन हो गया है।
हंसापुरी खदान मित्र परिवार द्वारा आयोजित होली मिलन के अवसर पर युवक कांग्रेस नेता वसीम खान के अनेक सराहनीय कार्यों की प्रशंसा कर उनका सत्कार किया गया। यह सत्कार नागपुर के महापौर दयाशंकर तिवारी के हाथों किया गया। इस अवसर पर वसीम खान ने कार्यक्रम के आयोजक रवि गौर, गोपाल पट्टम व किशोर राठौड़ का शुक्रिया अदा किया व सदा साथ देने का वचन दिया। इस अवसर पर मुख्य रूप से नगर सेवक रमेश पुणेकर, वरिष्ठ नेता रमन पैगवार, कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष आशीष दीक्षित, समाज सेवी पिंटू बागड़ी, महिला कांग्रेस मध्य नागपुर अध्यक्ष गीता जलगांवकर, मदनलाल गौर, विजय साखरे, पंकज गौर आदि मान्यवर उपस्थित थे। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व विधायक विकास ठाकरे के मार्गदर्शन में दक्षिण नागपुर ब्लॉक 6 के अध्यक्ष दिनेश तराले के नेतृत्व में अजनी पुलिस चौकी के पास के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल गैस जीवनावश्यक वस्तु की कीमतों में बढ़ोतरी करवाकर सरकार ने आम जनता का जीना मुश्किल किया है। इसके लिए केंद्र सरकार के विरोध में बैनर लगाकर आंदोलन किया गया, जिसमें विधायक एडवोकेट अभिजीत वंजारी, प्रदेश सचिव गिरीश पांडव, पूर्व नगर सेविका शीला तराले, महासचिव सुनील पाटिल, सचिव प्रफुल भाजे, नगर सेवक मनोज गावंडे, पूर्व नगर सेविका सुजाता कोम्बाड़े, वासुदेव ढोके, वंदना मिश्राम सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारीगण उपस्थित थे। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।